खबर सीहोर से, जहां रेहटी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत दिगबाड़ में एक गाय की मौत से जुड़े सीसीटीवी फुटेज से मचे बवाल के बाद रेहटी थाना पुलिस ने गाय को मौत की घाट उतारने वाले आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। गाय को मारने वाला आरोपी गाँव का ही ललित यादव उर्फ मोटा पिता रामद्वार यादव ही निकला। आरोपी ने 18-19 अगस्त के दरमियान रात करीब 12:30 बजे गाय को नाली में पटक दिया था। इस दौरान गाय को उसने मारा भी था। आरोपी ललित यादव सीसीटीवी फुटेज में अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दिया था। साथ ही अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की गई पर सफल नहीं हो पाया। गाय को नाली में गिराकर मार दिया। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अप्राकृतिक कृत्य के बारे में कहने से बच रही है। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है ताकि घटना का खुलासा किया जा सके। फिलहाल आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। रेहटी थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 413/24/2024 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए धारा 325 BNS 11(1)(a) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 4/9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गाय का पोस्टमार्टम करने वाले पशु चिकित्सक डॉक्टर मनोज बलोदिया ने बताया कि गाय के पेट में बड़ी संख्या में पन्नियां मिली हैं, इसके कारण गाय को इन्फेक्शन भी हो गया था। पोस्टमार्टम जब किया गया तब तक गाय का पिछला हिस्सा जानवरों ने नोचकर तहस नहस कर दिया। जानवर कुछ हिस्सा भी खा गए थे जिसके कारण पिछले हिस्से की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इधर कांग्रेस नेता विक्रम मस्तान ने सरकार से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, आरोपी का मकान तोड़ा जाए। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी SDOP ने क्या जानकारी दी है। आ रहा है इसमें रिपोर्ट में क्या आ रहा था? अभी उसका प्रारंभिक पोस्टमार्टम किया है और उससे ये पता चला है कि उसके पेट के अंदर काफी मात्रा में पॉलीथीन है, प्लस लंग्स में भी इन्फेक्शन है उसके। तो अभी मृत्यु का कारण फिर उसका अवगत और कराएंगे। प्राथमिक रूप से तो यही लग रहा है। थैंक यू। चलन दो। दिगवाड़ में जो अमानवीय और कुकृत्य सी घटना गौ माता के साथ हुई, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ संबंधित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले ताकि भविष्य में कोई ऐसी कुकृत्य करने की घटना के बारे में सोच भी नहीं सके। दिनांक 18 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक गाय है ग्राम दिगवाड़ में, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। लोकल ग्राम दिगवाड़ के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना की जब वेरीफाई किया गया CCTV कैमरे के माध्यम से तो एक संदिग्ध व्यक्ति इसमें पाया गया जो गाय को ले जा रहा था और उसने गाय को नाली में धक्का देकर मारना उसमें CCTV में पाया गया। व्यक्ति की जब पहचान की गई तो वो ग्राम दिगवाड़ का ही व्यक्ति निकला। व्यक्ति से पूछताछ की गई और उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उस रात को और अन्य जो साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए हैं। व्यक्ति की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और BNS की जो सुसंगत धाराएं हैं गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।